लोगों को बताना चाहते हो कि जिन लोगों को आप इस मुआशरे का आप समझ रहे हो कि ये लोग पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए कोई अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इनका पाकिस्तान की को चलाने में एक अहम फौज किरदार है, तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये सारे के सारे डर्टी लोग हैं। इन लोगों पे बिलीव करना, इन लोगों को रिस्पेक्ट देना, ये मेरे ख्याल में बहुत बुरी बात है। कैसे लोग यार फैजुल हसन चौहान जो है इस मिश्रू से खिलाफ थी और मेरी नज़र में ये एक इंतहाई 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 घलीज इंसान है और इसकी को मैं बहुत पहले बेनकाब कर चुकी थी और अभी लौटा हुआ फिर रहे। हाँ मैं बोलूंगी। अच्छा मेरा काम, ओके वेट वेट करें, किसी को डिफेंड नहीं करें, किसी को डिफेंड नहीं करें, मैं यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आई। आपको ओके मैं आपका सवाल सुन लिया, आप चुप हो जाए, मेरे जवाब सुने। ये लोग आपके लिए सियासतदान होंगे, मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते। दूसरा बात है किसी गलत इंसान को डिफेंड ना करें। आप लोगों ने हमेशा गलत इंसानों को डिफेंड कर करके इज्जत दे देकर जो है तो आज हमारे पाकिस्तान के मुआशरे को नेस्तो नबूद कर दिया है। और प्लीज़ मत डिफेंड किया करें, अगर उनकी सियासत या उनकी कुर्सी या उनका वोट जो है तो उनके पीछे कितनी गलाजत और कितना कुछ गंद है ये आप लोगों को नहीं पता। जब शायद आप लोगों को भी पता चले तो आप इन लोगों से कितना मदद कर सकते हैं। मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। अच्छा हरी की ये बता दीजिएगा कि ईद की आमद आमद है और इस बात पे किस जानवर की आप कुर्बानी करेंगी और साथ साथ ये भी बता दें किसी बच्चे की कुर्बानी करके देने जा रहे हैं। नहीं ऐसे गलीज बंदों को मैं अल्लाह के राह में कुर्बान क्यों करूं? मैं तो कुर्बानी का मतलब क्या है, मकसद क्या है, कुर्बान की क्यों जाती है कुर्बानी? इमरान खान से मुलाकात होगी मेरी दो दिनों में इंशाल्लाह दोबारा। जी हम शायद कल जाएं, कल जाएं इंशाल्लाह। पीटीआई का टिकट नहीं, अभी सिर्फ इमरान खान का खान के साथ उठ के खड़ा होना और कल हमारी मुलाकात है इमरान खान से इंशाल्लाह। यार मैं तो अभी मैं FIA के पास गई हूँ ना, अगर मैं गलत होती तो FIA मुझे पकड़ता ना, तो FIA ने तो मेरा साथ दिया है, FIA ने तो मेरे जितना भी संदल के खिलाफ जो मैंने केस किए ये तो सारा का सारा FIA की मदद से हुआ है। अगर FIA इन्वेस्टिगेशन ना करती, FIA मेरा साथ ना देती, FIA का अदारा मेरे साथ उठ के खड़ा ना होता तो मेरी FIR उस पर ना होती। तो मैं FIA की मशहूर हूँ कि FIA की पूरी टीम ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट की है। नहीं मैं खुद अकेले गई थी, मैं सच बोल रही हूँ यार, मैं जा सकती हूँ। आप चैलेंज करो कहीं पे अगर जाना है तो मुझे बोल दो, मैं जा सकती हूँ। नहीं अगर आपने चैलेंज करने को ही तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, आप कर सकते हो। यार मुझे मौलाना फजल रहमान के लोगों ने इतनी धमकियां दी हुई हैं वैसे तो मैं यार ये फजलू के जितने भी बंदे उनसे कहती हूँ कब केस करोगे? मैं अभी पाकिस्तान में, अगर चली गई तो फिर केस करोगे, फायदा नहीं होगा। कहोगे पाकिस्तान से भाग गई है, डर गई है, तो अभी करें ताकि मैं इन चीज़ों को फेस कर सकूँ। तो अगर पाकिस्तान से बाहर चली गई तो फिर तीन बच्चे यार देखो शेख रशीद के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत अच्छी दोस्ती है, बाकी शेख साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी। फैजल हसन चौहान मुझे बुरा लगता है। और क्या हाँ सभी से है, खातून से मैं खावतीन से मैं दोस्तियां नहीं करती। यार मौलाना फजल रहमान के लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मेरी फैमिली तक गए
और उन्होंने कहा कि आप लोग हम लोगों को जानते नहीं हो, इसको बोलो कि मौलाना के पीछे बातें ना करें, ये ना करे वो ना करे। लेकिन मैंने जितनी भी बातें मौलाना के बारे में की है मैंने सच्ची की, मैंने झूठी नहीं बोली, एक एक बात सच है। यार मेरे ऊपर जो फेक एलिगेशन लग रहे थे मैं उनको डिफेंड करने के लिए आई थी कि फेक चीज़ें नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। और आपको पता है संदर्भ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैं सारे के सारे प्रूफ लेके आई हूँ कि मैं आपको साबित कर सकती हूँ, या आपको मैं साबित कर सकती हूँ, आपको वो चीज़ें मैं दे सकती हूँ कि संदल मुजरिम। अच्छा वन मिनट यार मेरे पास, अच्छा मेरी बात सुनिए, ज़ाहिर है फ्रेंड्स की एक दूसरे के पास वीडियोस होती हैं, लेकिन मैं इतनी घटिया नहीं हूँ कि मैं इसकी वीडियो देख करूँ, वो मेरे काबिल नहीं है, मेरे काबिल ही नहीं है यार। उसमें है क्या, वो कोई बहुत ही कोई सेक्सी हॉट प्यारी खूबसूरत लड़की है कि लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगी, बल्कि आप लोग उससे और मुतनफर होंगे कि मैं ऐसी चीज़ों को सामने नहीं लेंगे। यार मेरी एक से ज्यादा शादी है, वो मेरे हस्बैंड के दिन है। किधर है हस्बैंड के दिन है? कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई चीज़? यार मेरी एक ही शादी है, और जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं सबूत लेके आए, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ उम्मीदवार। मैं क्या नहीं छोड़ती, सबूत नहीं छोड़ती यार, सबूत छोड़ने भी नहीं चाहिए। अल्लाह का वास्ता, फजलों के साथ मुझे मत मिलाए। थाईलैंड, थाईलैंड में बिल्कुल। यार थाईलैंड वो क्यों गए थे कि आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? वो कह रहे हैं हम लोग इस्लाम की प्रीत, तो थाईलैंड तो मैं जब भी गई हूँ यात्री के लिए लोग जाते हैं। नहीं नहीं, जो थाईलैंड मौलाना साहब मेरे ख्याल में जो उनको चंदा ज़कात वगैरह इकट्ठी हुई होगी उन्होंने कहा चले वहाँ पे जाके स्पेंड करके आए थे। अल्लाह कबूल करे, हज पे गई है, हज पे गई है, कब गई है? दुबई से सऊदी जाएंगी, तो दुबई में क्या करेंगी? यार अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे, अल्लाह की राह में गई है तो मेरे ख्याल में। मैंने अभी जाना था इंशाल्लाह, मेरा पूरा इरादा था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ चीज़ें मेरी और कुछ केस मेरे ऐसे थे कि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। उन सारी चीज़ों को मैंने नज़र रखते हुए मैं पाकिस्तान में मुकैद हूँ इस वक्त, यहाँ से जा नहीं सकती।